दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। चौरसिया हत्याकांड में पति गोविंद सिंह का नाम आने के बाद से फरार चल रहे गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी अलग अलग जगह छापा मार रही है। आज एक बार फिर दल बल सहित पुलिस महकमा बसपा विधायक रामबाई के घर पहुँचा, जहाँ मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी नजर आए। भारी संख्या में पुलिस बल ने विधायक के बंगले को घेर लिया। पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ कहने को तैयार नहीं है। देवेंद्र चौरसी हत्याकांड के आरोपी विधायक पति गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन लगातार विधायक पर दबाव बना रहा है। इसके पहले बिना किसी नोटिस के विधायक द्वारा शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंच गई थी। फिलहाल गोविंद सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित है। इसे लेकर एसआईटी ने फरार आरोपी गोविंद सिंह के 50,000 के इनामी होने के पोस्टर भी जगह जगह चस्पा कर दिए हैं। इसी बीच बसपा विधायक रामबाई ने फरार आरोपी गोविंद सिंह से न्यायालय में सरेंडर करने की अपील की है। अब देखना होगा कि विधायक रामबाई की अपील के बाद हत्या आरोपी गोविंद सिंह खुद को पुलिस के हवाले करते हैं या नहीं। दमोह से बुंदेली तरकस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट वाले हैं। मैं आपके द्वारा एक अपील करना चाहती हूँ कि जहाँ भी हमारे पति हों उन तक ये सूचना पहुँचे, जानकारी पहुँचे, और वो जहाँ भी हों जैसे भी हों वो अपने आप को न्यायालय में सिलेंडर कर दें या शासन प्रशासन के समक्ष सिलेंडर कर दें, क्योंकि अगर वो पेश नहीं होंगे तो 26 तारीख को जो हमारी दिल्ली में बेल लगी हुई है वो उसमें कुछ ऐसी संभावना लग रही है कि वो कहीं खारिज ना हो जाए। तो हमारा ठाकुर साहब आपसे विशेष निवेदन है, मैं किसी के दबाव या दहशत में नहीं कह रही हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हों पेश हो जाएं न्यायालय में या सरकार पुलिस के इसमें, जहां भी जैसा आप सुविधा समझें, पर पेश हो जाएं प्लीज़ ठाकुर साहब।